नमस्कार दोस्तों, ये जो लिंक दिया है इससे आप अपना हाइकनेक्स एक्सचेंज पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बातें अगर हम जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करें वो नहीं छुप सकते, वो सामने आती आती हैं। तो बोला यही गया था कि अभी सिर्फ टेस्टिंग करनी है, लेकिन मेरे पास भी कई लोगों के मैसेज आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सर, सुना है इस एक्सचेंज पे कॉइन आ गया है। जी हाँ, सच है, हाइकनेक्स एक्सचेंज के ऊपर कॉइन आ गया है। लेकिन आप लोगों ने किस प्रकार काम करना और कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग भी करनी है इसकी, तो कैसे करनी है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले हाइकनेक्स एक्सचेंज के ऊपर जब आप अपना अकाउंट बनाओगे तो प्रॉपर तरीके से अपनी डिटेल विटेल नोट करके रखें, क्या पिन बनाई है, क्या पासवर्ड बनाया है, ईमेल आईडी क्या डाली है, तो सब कुछ सही रखें। दूसरी चीज, आपने एक साथ कॉइन नहीं आपने सेंड करने हैं, यानी कि हाइकनेक्स एक्सचेंज पे नहीं आपने सेंड करने हैं, 100-200 कॉइन आपने हाइकनेक्स एक्सचेंज पे डालने हैं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना है। आपने ये देखना है कि आप जब सेल कर रहे हो तो सही से सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी ट्रांजेक्शन फीस कट रही है। थोड़ा बहुत बिटकॉइन भी आपने डाल के बाई करके भी देखना है, उसके बाद आपने विड्रॉ भी करके देखना है। जब आप TCC को बेच के दोबारा से TCC खरीदोगे तो TCC को आपने लैंडिंग वॉलेट में भी ट्रांसफर करके देखना है। ये सारी बातें देखनी जरूरी है क्योंकि टेस्टिंग होनी जरूरी है। क्योंकि सोचा था कि कुछ चंद लोग ही इस काम को करेंगे, पर संभव नहीं है, क्योंकि ये अग्नि उस प्रकार है, जंगल में एक बार लग जाए तो आंधी की तरह चलती है। तो आपसे निवेदन है, आप अपना अकाउंट बनाएं और उसकी डिटेल नोट करें और थोड़े ही कॉइन आप डाल के देखें, एक साथ सारे कॉइन ना डालें आप, क्योंकि कुछ एक्सचेंजों की टर्म एंड कंडीशन होती है, उसके अंदर आप लेके तो जितना मर्जी जाओ पर वहां से निकालने की लिमिट होती है, वो चीजें भी चेक करी जाएगी। अभी आप थोड़ा थोड़ा कॉइन डालो, बाय सेल करो, ट्रेडिंग करो और देखो